हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने पहले वॉलवॉक्स का पूरे लाइफ साइकिल के बारे में देखा था। आज हम कारा के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो कारा एक ऐसी एल्गी है जिसको ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी में रखा गया है। डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कैरेल्स, फैमिली कैरेसी और जीनस कारा। ये जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये काफ़ी जो है इसकी साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। ये करीब 50 सेंटीमीटर तक लंबी या हो सकती है, पर ज़्यादातर ये इसका आकार 20 या 30 सेंटीमीटर तक ही रहता है। और इसकी कई स्पीशीज़ अपने पाई जाती हैं। ज़्यादातर जो ये स्पीशीज़ हैं वो हैं जैसे कि कारा न्यूडा या कारा वॉल्चिसी, ये कॉमन स्पीशीज़ मानी जाती हैं। इसको एक्वेटिक हॉर्स टेल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हॉर्स टेल के जैसे जैसे इक्विसटम जो टेरिडोफाइट का मेंबर है उसके समान आकृति इसकी होती है। फ्रेश वाटर में ज़्यादातर पाया जाता है और इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का क्रस्ट रहता है, यानी कि एक लेयर सेल वॉल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की रहती है, इसलिए इसको स्टोन वर्ट्स भी कहते हैं। इसका यदि हम कायिक संरचना देखें तो ये बहुकोशिकीय होता है, मैक्रोस्कोपिक यानी कि आँखों से देखा जा सकता है। फिलामेंटस, इसमें फिलामेंट्स होते हैं यानी कि तंतु होते हैं और वो शाखित होते हैं। मेन एक्सिस और साइड की लेटरल ब्रांचेस होती हैं। राइजॉइड्स भी पाए जाते हैं। इसमें जो राइजॉइड्स होते हैं या मूलाभास होते हैं ये सुविकसित होते हैं और ये ब्रांच्ड होते हैं, और जिसमें कि ओब्लीक सेप्टा पाया जाता है और यूनिसीरिएट आकार इसका होता है। ये लगभग जड़ जैसा ही प्रतीत होता है, पर ये राइजॉइड्स होते हैं। मेन एक्सिस या जो इसकी मुख्य अक्ष है वो इस प्रकार का दिखाई देता है, जो सीधा होता है, इरेक्ट होता है और शाखित होता है, और इसके ऊपर बहुत ही डिस्टिंक्ट नोड्स और इंटरनोड्स, पर्व और पर्व संधि पाए जाते हैं। जो पर्व संधि है उस पर लेटरल ब्रांचेस या छोटी बहुकोशिकीय जो शाखाएं हैं वो रहती हैं। तो इसमें दो प्रकार की ब्रांचेस या शाखाएं पाई जाती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो है वो करीब 6 से 20 पर संधि की होती है, और जबकि अनलिमिटेड जो है वो एक प्रकार से पूरा एक्सियल ब्रांच, इसको हम कह सकते हैं, वो टूट के नया पौधा भी बना लेती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो है वो किस प्रकार की होती हैं। इनको प्राइमरी लेटरल्स भी कहा जाता है या प्रथम पार्श शाखाएं इनको कहा जाता है, और इनमें इसको पत्ती भी कहा जाता है या ब्रांचलेट्स भी कहा जाता है। और ये जो पेरिफेरल सेल्स हैं उनमें नोड पे जो पेरिफेरल यानी कि बाहरी कोशिकाएं होती हैं उसके डिवीजन से उत्पन्न होती है। ये इसकी जो ग्रोथ है या वृद्धि है वो सीमित होती है। इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, इसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। और जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं, ये जैसे ये इसको तो हम कह रहे हैं प्राइमरी लेटरल्स, सेकेंडरी लेटरल्स जो हैं वो स्टिप्यूल्स होते हैं। इसमें ये स्टिप्यूल्स जो हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, और इनमें ज़्यादातर ये इनकी एक्सल में सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो उत्पन्न होते हैं।
तो जो स्टिप्यूल्स होते हैं या ये स्टिप्यूलोट जो होते हैं ये एक ही कोशिकीय होते हैं और ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की बात करें हम तो ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ या लॉन्ग लेटरल्स जो हैं वो एक्सिल में से निकलती हैं, यानी कि अक्ष में से, प्राइमरी जो लेटरल्स होते हैं उनके अक्ष में से निकलती हैं। ये एक ही निकलती है अकेली, जैसे कि अक्षीय शाखाएं होती हैं उसी प्रकार ये उत्पन्न होती है और ये अनलिमिटेड ग्रोथ की होती है। जैसे इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य जो मुख्य अक्ष है उसके ही जैसी ये निकलती हैं अनलिमिटेड ग्रोथ की, और इसमें भी नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं और कॉर्टिकेशन होता है और इसमें भी फिर प्राइमरी लेटरल, यानी कि इसका पूरा आकार जो है वो मुख्य अक्ष के समान होता है। अब सेल स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो जो कोशिका संरचना है इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक तो जो बीच की अक्षीय कोशिका जो है वो लंबी होती है, जैसे इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तो ये बी, ए और बी है ना इसमें चित्र, तो बी वाली जैसे लंबी है उसी प्रकार की ये लंबी होती हैं बीच की, जबकि जो बाह्य जो कोशिकाएं हैं पेरिफ्रल सेल्स हैं वो छोटे आकार की होती हैं। हर एक कोशिका जो है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इसमें कई होते हैं हर एक कोशिका में, और डिस्कॉइड यानी कि उसकी कोई आकृति नहीं होती, टेढ़े मेढ़े से छोटे से ये होते हैं, इनमें पायरेनॉइड्स का अभाव होता है, पायरेनॉइड्स इसमें नहीं पाए जाते, जबकि क्लोरोफाइसी में जैसे हमने वॉल्वॉक्स में पढ़ा कि पायरेनॉइड पाए जाते हैं पर इसमें पायरेनॉइड अनुपस्थित होते हैं। तो अब हम इसका कॉर्टिकेशन देखते हैं, यानी कि जो बाह्य कोशिकाएं वो किस प्रकार होती हैं। तो इंटरनोडल सेल जो है वो बाहर की तरफ से छोटी कोशिकाओं से घिरी हुई रहती है और ये जो कोशिकाएं हैं ये करीब 5 से 7 तक हो सकती हैं। तो बीच में एक अक्षीय कोशिका और चारों तरफ इसकी जो है वो 5 से 6 बाह्य कोशिकाएं होती हैं। तो ये इसकी सामान्य संरचना है और इस किस प्रकार इसमें ग्रोथ होती है और किस प्रकार इसमें जनन प्रक्रिया होती है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।